हेलो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए बच्चों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका अपने दूसरे वीडियो में कि शैल कहां पे आता है, विल कहां पे आता है। तो शैल फर्स्ट पर्सन आई ओ वी के साथ आता है और विल बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल आता है। अगर इसके मेन वर्ब की बात करते हैं तो इसका मेन वर्ब होगा वर्ब में आई एन जी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो इसको जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो होती है विल हैव बीन। और जो इसकी दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है शैल हैव बीन। उसके मेन वर्ब की अगर हम बात करते हैं, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब में आई एन जी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे हम हर वीडियो में टेंस में सीख रहे हैं, क्या हर वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव टाइप वन एंड टाइप टू। क्योंकि हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें टाइम भी आए, 10 दिसंबर 2 जनवरी, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम। और कह सकते हैं जैसे 2 o'clock 3 o'clock 1946, तो पॉइंट ऑफ टाइम। अगर फॉर की बात करते हैं तो ड्यूरेशन, 2 hours 2 घंटे, 1 week 2 days 3 years, क्या है ये, यहां पे आएगा फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए क्या होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर के साथ टाइम। तो ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो एग्जांपल क्या होते हैं, देखिए मैंने बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखा। एग्जांपल क्या है, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। तो ये मैंने एग्जांपल लिखा। तो इसमें देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन भी है, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले प्लस आई एन जी हमारी वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, आपको हर वीडियो बताता हूं, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर आया टाइम के लिए, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, क्योंकि 3 hours एक ड्यूरेशन बता रहा है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। तो ये बात आपको अफर्मेटिव में क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग करते हैं निगेटिव की बात। तो निगेटिव में भी मैंने आपको बार बार समझाया है, क्या समझाया है, कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ड यूज होता है, जैसे यहां पे विल हैव बीन, इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले जो हम लोग पढ़ाई थी हम लोगों ने, तो उसमें था विल हैव शैल हैव, है ना, फ्यूचर परफेक्ट में, तो हम लोगों ने नॉट कहां पे लगाया था, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, ऐसे हम लोगों ने लगाया था। चलिए अब आगे देखते हैं, तो ऐसे यहां पे भी क्या हो रहा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो इसमें हम लोग नॉट कैसे लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, विल नॉट हैव बीन, आपको स्क्रीन दिख भी रहा होगा, शैल नॉट हैव बीन, तो मतलब नॉट कहां पे आएगा, विल के और शैल के जस्ट बाद आएगा, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इसी सेंटेंस को हम लोग ले लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एग्जांपल से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और विल और शैल के बीच में आएगा नॉट, प्लस वर्ब में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर टाइम के लिए, और लास्ट में टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स क्या होंगे, तो एग्जांपल्स होंगे ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो नॉट हमारा कहां पे आएगा, तो नॉट अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो नॉट हमारा आएगा कहां पे, तो नॉट हमारा आएगा ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, इसके बाद विल, तो हमारा जो हेल्पिंग होता है विल हैव बीन, तो यहां पे हमने क्या लिखा, विल नॉट हैव बीन, तो जो नॉट है ये नेगेटिव को शो कर रहा है और ये आया विल के जस्ट बाद। प्ले हमारा वर्ब है जिसमें लगी है आई एन जी,
प्ले हमारा वर्ब है जिसमें लगी है आई एन जी फॉर्म। इसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, फॉर टाइम के लिए आ रहा है, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन है। अगर यहां पे मैं लिखता 3 o'clock तो यहां हो जाता सिंस हो गया होता, क्योंकि सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो अपने पिछले वीडियो मैंने आपको इंट्रोगेटिव समझाया है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव कैसे आता है, ये मैंने आपको बता रखा टाइप 1 टाइप 2 पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो कुछ नहीं करना आपको, जब ऐसी कंडीशन हो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये जो हैव बीन है ये अपनी जगह पे ही रहेगा, और जो ये विल और शैल है ये पहुंच जाएगा कहां, सब्जेक्ट के आगे। तो क्या होगा साथियों, सबसे पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में सिंस और फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में सबसे आएगा क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले विल या शैल, के बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद विल शैल का बचा हुआ पार्ट हैव बीन, तो विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा टाइप 1 था, यस नो वाले क्वेश्चन थे इसमें, इसमें यस और नो में आंसर दिया जाता है। तो देखिए मैंने क्या किया, विल को रखा सब्जेक्ट के आगे, तो विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टाइप 2 की बात करेंगे तो टाइप 2 में कुछ नहीं है, सेम इसी स्ट्रक्चर में WH वर्ड या WH फैमिली को विल के भी आगे रखना है। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आप यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि अब आगे जो इस वीडियो के बाद, ये लास्ट वीडियो है टेंस का, इस वीडियो के बाद हम लोग और भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं ग्रामर में। तो देखिए, तो जब हम टाइप 2 की बात करते हैं, है ना, बच्चों को समझाने के लिए टाइप 2 की बात जब करते हैं तो क्या होता है टाइप 2 में, कि विल के आगे, यहां पर टाइप 1 में विल के आगे अगर हम कुछ भी लगा दें, वेयर वाई, जैसे हमने लगा दिया वाई WH फैमिली, तो वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। तो यहां पर मेरा टेंस के, आज से टेंस का सफर खत्म होता है, बीच बीच में मैं आपका इसका रिवीजन कराता रहूंगा। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।